अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रिस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, जो कि ये दाल मखनी। ये बहुत ज़्यादा फेमस डिश है, सभी को बहुत पसंद आती है। ये मैंने घर के ही सामान से बनाई है, तो बिल्कुल नए स्टाइल से बनाई है, तो आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेट्स स्टार्ट। ये मैंने एक कप उड़द लिए थे और आधा कप राजमा लिया है। इसे 4 से 5 घंटे से मैंने भिगो दिया था वॉश करके अच्छे से। इसे हम डालते हैं अपने कुकर में। ये मैंने 1 चम्मच भर के इसमें नमक डाला है और 3 से 4 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी एक ही बार में डलेगा। इसे अच्छे से चम्मच चला देंगे ताकि हमारा नमक मिल जाए अच्छे से इसमें। और थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें ये पक जाते हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं रहते, सॉफ्ट हो जाते हैं। 3 से 4 मैंने इसमें सीटियाँ लगाई हैं और फिर मैंने हल्की आंच पर इसे रख दिया था। देखिए हमारा ये राजमा उड़द पक चुका है। अब हम इसे डालेंगे मिक्सर जार में। इसे हम पेस्ट नहीं बनाना है बल्कि इसे दरदरा करना है। इसका जो टेक्स्चर है वो मखनी जैसा ही है, तो दाल मखनी का मतलब ये है कि इसका टेक्स्चर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ये मैंने एक भगोना ले लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है। आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम बटर भी ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा हमारा क्रैकल हो गया है, हीट हम लो रखेंगे नहीं तो हमारा ज़ीरा जल जाएगा। सारे मसाले हम लो हीट पर ही भूनेंगे। अब हमने इसमें डाल दिए चॉप्ड अनियन अपने। मैंने एक प्याज ले लिया था। जितना बड़ा हम प्याज लेंगे इतना ही बड़ा टमाटर लेंगे। इसे प्याज का हमें कलर नहीं बदलना है, बस हल्का सा पिंकिश कलर लाना है। देखिए हमारा कलर हल्का सा पिंकिश कलर हो गया है इसमें। और 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच डाल देंगे हम धनिया पाउडर इस, और आधे चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने इसमें। इसे अच्छे से चलाते हुए इसे भूनेंगे। अभी हमने पानी वगैरह कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। 1 बड़े टमाटर की मैंने प्यूरी ऐड कर दी है इसे इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे भूनेंगे अच्छे से ताकि हमारा मसाला जो अच्छे से भुन जाए। देखिए हमारा मसाला भुन गया है, ये ऑयल भी सरफेस पर आ गया है इसका। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे हम। हमारा मसाला रेडी है। इसमें हम डाल देंगे मलाई। देखिए टमाटर प्याज मलाई वगैरह ये चीज़ हर घर में होती है, तो ये मैंने घर के ही सामान से बनाई है। तो आप चाहें इस स्टेज पर अपनी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जो मलाई का इसके जो रिचनेस होती है वही इसमें मलाई में भी क्रीम में भी होती है। ये मैंने थोड़ी देर लगा दी इसमें लिड ताकि हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए। ये जो मैंने उड़द और राजमा को मिक्सर ग्राइंडर में से इसका थोड़ा सा दरदरा वो करा था, इसका पेस्ट बनाया था। पेस्ट नहीं बनाना है बल्कि थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है। सब डाल देंगे हम एक साथ। फिर अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे ताकि हमारा मसाला और उड़द वगैरह ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। कुछ लोग इसमें चने की दाल भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसमें चने की दाल नहीं डाली है। मैं इसमें अदरक मसाला भूनते टाइम में अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो शूट करना रह गया था मेरा, तो आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या
चॉप्ड करके भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी हो जाता है काफ़ी। ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, खूब अच्छे से हमारा उबाला आ गया है इसमें। लीजिए तैयार है हमारे दाल मखनी, जिसको मैंने बटर से, क्रीम से और हरे धनिए से इसे गार्निश किया है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। इसे हम ज़ीरा राइस, नान, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।